सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ये आईज़ मेकअप लुक है, ये हाफ कट क्रीज ग्लिटर लाइनर मेकअप लुक है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राउज को फिल किया है, क्योंकि आज हम पहले सबसे पहले आईज़ मेकअप करेंगे। सो ब्राउज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का ब्राउ किट लिया हुआ है, और इसमें से ये ब्राउन एंड ब्लैक शेड को लेके मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी। सो मैंने आउटर पार्ट में ब्लैक एंड इनर पार्ट में ब्राउन शेड अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम इसे क्लीन कर लेंगे। उसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैलेट लिया है, एंड उसमें से ये शेड लेके मैं अपनी ब्राउज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरी ब्राउज बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। एंड मैं इसे फुल लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो भी हम अपना आई शेडो लगाएं उसका बेस बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। एंड इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर्पल का कॉम्पैक्ट लिया है। अगेन अफोर्डेबल है और न्यूली है, मतलब न्यूली परचेज है, और बहुत ही अच्छे से जो है बेस को सेट भी कर देता है। एंड आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यहाँ पे हिलारी रोडा का पैलेट लिया, और उसमें से ये पिंक शेड लेके मैं सबसे पहले क्रीज लाइन पे बिल्ड करूँगी। एंड आपको ब्लेंडिंग मोशन देखना है, आपको सिर्फ बैक एंड फोर्थ में जो है ब्लेंड करना है, ताकि आपका जो आई शेडो लुक है वो पैची ना लगे और बहुत ही ब्लेंडेड लगे। एंड नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंसीलर लेके अब अपनी आईज पे जो है कट क्रीज ड्रॉ कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें से ये मैं रेड शेड लेके अपने आउटर पार्ट पे अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हमारी जो कट क्रीज की लाइन है वो विजिबल ना हो। एंड नेक्स्ट मैं इनर पार्ट के लिए जो है ये ग्रीन शेड ले रही हूँ, और इसे मैं हाफ लिड पे ही अप्लाई करूँगी, फुल लिड पे नहीं करूँगी। एंड मैं लिड के सेंटर में ये ब्लू शेड लेके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और आपको यहाँ पे ये तीनों शेड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने हैं, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना लगे और बिल्कुल भी जो है आपका आई लुक वो पैची ना लगे। सो बहुत ही अच्छे से प्लेस करें। एंड नेक्स्ट मैंने रेड शेड को अगेन लेके थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये कॉपर कलर का ग्लिटर लाइनर लिया हुआ है, और इससे जो मैंने कट क्रीज किया है मैं उसी के ऊपर इससे ड्रॉ कर लूँगी। इसको ड्रॉ करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा, नहीं तो आपका आईज़ बहुत बेकार हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं ऑफ कैमरा अपनी आईज़ को कंप्लीट कर लूँगी। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर लिया हुआ है, एंड इससे मैं जो है एक विंग ड्रॉ कर लूँगी। एंड नेक्स्ट अब हम अपने फेस को भी सेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये कंसीलर से ऑरेंज शेड लिया हुआ है, और इससे मैं जो है जितने भी मेरी डार्कनेस है आईज़ के अराउंड या माउथ के अराउंड उसे हाइड कर लूँगी। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लूज पाउडर से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा बेस जो है वो ऑरेंजी ऑरेंजी ना हो। नेक्स्ट फेस मेकअप के लिए मैंने ये प्राइमर लिया है, पर्पल का प्राइमर है, बट इसका क्लिप मिस हो चुका है। एंड फाउंडेशन के लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लिया है, शेड है गोल्डन बेज, एंड मैं इसे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल कैटेगरी का मैट फिनिश देता है, प्लस आप हाई कवरेज तक इसे बिल्ड भी कर सकते हो। एंड इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। उसके लिए अगेन मैंने ये लाइट शेड कंसीलर पैलेट से ही लिया हुआ है, एंड इसे जितने भी हाईलाइटेड एरिया हैं वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे।
एंड नेक्स्ट अपने फेस को सेट करने के लिए अगेन मैंने पर्पल का कॉम्पैक्ट लिया है और इससे फुल फेस को सेट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था उससे सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना हो, एंड देन उसके बाद फुल फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। एंड हम अपनी आईज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए अगेन मैंने ये पैलेट लिया और इसमें से ये पिंक शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे से अप्लाई कर लूँगी। एंड थोड़ा सा मैंने ब्लैक शेड लेके, ब्लैक आई शेडो लेके उसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया अपनी आईज़ को। नेक्स्ट हम अपने आई लैशेज़ को कर्ल कर लेंगे। एंड मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे बेलावोस्टा का मस्कारा लिया, अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे से जो है आपकी लैशेस को इन्हांस करता है। नेक्स्ट अब हम अपने फेस को कंटूर कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये निका का कंटूर पैलेट लिया हुआ है और इससे मैं अपने अच्छे से फेस को कंटूर कर लूँगी। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कंटूर पैलेट है, बिल्कुल भी पैची नहीं है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लिया हुआ है, पिंक पिनाकल शेड नेम है इसका और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड होता है आपके स्किन पे एंड ब्लेंडिंग में भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया हुआ है ब्लॉसम ग्लो, एंड इसे अपने अच्छे से फेस पे जितने भी हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसका भी ग्लो है, बहुत ही अच्छे से जो है हाइलाइटेड कर देता है आपके फेस को। एंड नेक्स्ट हम अपनी ब्रॉ बोन को भी इसी से हाईलाइट कर लेंगे एंड इनर पार्ट जो आईज का इनर पार्ट होता है वहाँ भी इसी को ही अप्लाई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम अपनी लिप्स को लाइन कर लेते हैं। सो ये आप कोई भी यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो, मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किया था जो कि मेरे फेवरेट हैं और बहुत ही क्रीमी हैं, बहुत ही अच्छे से जो है अप्लाई हो जाते हैं। आप लिपस्टिक की भी तरह इन्हें अप्लाई कर सकते हो। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ये नायका की लिपस्टिक ली है जिसका शेड नेम है मोनालिसा, बहुत ही कंफर्टेबल लिपस्टिक है और बहुत ही अच्छा शेड भी है, तो अगर आप न्यूड लवर हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड नेक्स्ट अब अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। सो उसके लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का फिक्सर लिया जो कि मेरा फेवरेट है और अफोर्डेबल भी है, सो फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेकअप लुक। एंड मुझे कमेंट डाउन भी करें एंड मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।